तो अगर आपको सबसे बेस्ट इंडियन खाना खाना है पेरिस में तो ये है वो जगह, ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ हम आए हैं, बॉम्बे पैलेस। यहाँ 5 यूरो की थाली मिलती है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो 5 यूरो की थाली में मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या मिलता है। तो अभी तक मैंने आपको पेरिस में दिखाया द आइकॉनिक आईफिल टावर, पूरे यूरोप का सबसे फेमस फैशन विलेज एंड फ्रांस का विक्ट्री सिंबल आर्क द ट्रायंफ। बट आज की वीडियो में हमने एक्सप्लोर किया वर्ल्ड का सबसे फेमस म्यूजियम म्यूसे द लूव, जहां है वर्ल्ड फेमस मोनालिसा पेंटिंग, द रॉयल कैसल ऑफ पेरिस एंड उसके अलावा पेरिस का इंडियन डिस्ट्रिक्ट विच इज़ ऑल्सो नोन एज द लिटिल इंडिया। सो डू वॉच दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड एंड लेट्स गेट इट स्टार्टेड। तो आज है एक और दिन पेरिस में और आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा द वर्ल्ड फेमस लूवर म्यूजियम एंड थोड़ी अफोर्डेबल साइड पेरिस की जो है लिटिल इंडिया। यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, तो मैं आपको वो पूरा डिस्ट्रिक्ट दिखाऊंगा। सो लेट मी फिनिश माई कॉफ़ी एंड देन वील स्टार्ट द ब्लॉग। सो वी जस्ट एट आवर फ्रेंच ब्रेकफास्ट एंड अब टाइम है म्यूसे द लूवर जाने का। डिड आई से इट करेक्टली? यस, ऑफ कोर्स यू शुड। आई एम लर्निंग फ्रेंच बाय द वे। लूवर म्यूजियम, अगर आपको नहीं पता तो लूवर सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स में से एक है एंड मैं कभी अंदर नहीं गया हूँ, मैंने दोनों बार बाहर से देखा है। तो इस बार कोशिश करूँगा कि अंदर जाके आपको दिखाऊँ। प्लान तो ये था कि हम इलेक्ट्रिक कार रेंट करके जाएंगे लूवर म्यूजियम जैसे हम फैशन विलेज गए थे, बट एक्चुअली मेरा इन्होंने अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आप पेरिस से बाहर गाड़ी नहीं ले जा सकते और जो फैशन विलेज था वो पेरिस से 40 मिनट दूर था। तो इन्होंने मेरा अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया, इसलिए मैं अब गाड़ी तो नहीं रेंट कर सकता, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करना पड़ रहा है। एंड पेरिस का पब्लिक ट्रांसपोर्ट आई थिंक इट्स नॉट द बेस्ट क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। हमने 1-way टिकट पे करी है 2 यूरो पर पर्सन और उसके अलावा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। यह है वो पूरा एरिया लूवर म्यूजियम के आसपास का। मेरे राइट में है द रॉयल पैलेस ऑफ पेरिस। अभी किसी टाइप की कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे। पुराने का, डोंट यू थिंक दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एरिया ऑफ पेरिस? Yeah, that's what I was about to say, that this area of Paris is like everything looks so interesting, you yeah, know? Yeah, this is the most picturesque area, I'll say. Har block pe itne sundar French cafes hain, but this area will be a bit more expensive kyunki of course ye sabse main areas mein se ek hai. तो अगर आप यहाँ पर किसी कैफ़े में जाओगे तो वो नॉर्मल कैफे से थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, बट आई स्टिल थिंक इट्स वर्थ इट बिकॉज एवरीथिंग लुक्स सो ब्यूटीफुल हियर। अब मैं आपको यहाँ का मेन म्यूजियम दिखाता हूँ। आई थिंक आपने इतनी सारी मूवीज़ में देखा होगा, बट सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि मुझे पूछना पड़ेगा कि मैं अपना प्रोफेशनल कैमरा अंदर लेके जा सकता हूँ या नहीं। अगर उन्होंने अलाउ नहीं किया तो मैं आपको अंदर से म्यूजियम नहीं दिखा पाऊँगा। Hands down, this is the most beautiful museum in the world. मैंने अभी अंदर जाके भी नहीं देखा, but फिर भी जितनी बार भी मैं यहाँ आया हूँ इससे beautiful museum मैंने नहीं देखा अपनी life में। I just really hope कि वो camera अंदर लेके जाने देंगे, वरना problem हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर कोई locker वगैरह भी नहीं है जहाँ मैं अपना camera submit करा दूँ। But let's see, maybe camera लेके जाने देंगे। ये पूरे world का सबसे बड़ा museum है एंड ऑफ कोर्स अंदर है द इन्फेमस मोनालिसा पेंटिंग। मैंने खुद पर्सनली नहीं देखी है अंदर जाके क्योंकि दोनों बार जब भी मैं पेरिस आया हूँ मैंने बाहर से म्यूजियम देखा है। तो टिकट ऑफिस में जाके पता लगा कि कैमरा की तो प्रॉब्लम नहीं है, बट आज आप म्यूजियम में जा ही नहीं सकते क्योंकि A to Z टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट है। पूरा म्यूजियम पहले ही फुल है। फिर आने का
I didn't even expect we can have problem like this, but I didn't think about it before because maybe it's because there is just limited amount of people that can enter right now, and I think maybe that's why. Maybe we can come tomorrow, we'll see. I'm here for the third time now. Me too. And I have never seen Louvre from inside, and I would really love to. So if the museum is open tomorrow, because it's Sunday, then we'll come again. And this time, I'll book the ticket on the internet first, because here, they don't sell the ticket at this time. Sari online hi pre-booking ho rahi hai. Veronica ka bahut mann tha andar jaane ka. But I will take you, don't worry. You want to see Mona Lisa? No, actually I'm not excited about Mona Lisa. It's just that when we were entering, you can see those sculptures when you are passing by, and it looks so stunning. So agar kal ki ticket milegi to main pakka aunga fir se and aapko andar se dikhaunga Louvre Museum. Abhi main aapko ye sara bahar ka area dikhata hu. It's so beautiful. Itna sundar architecture hai Paris ka. कि एक एक बिल्डिंग में एक एक डिटेल इन्होंने इतनी बारीकी से बनाई हुई है और म्यूजियम के बिल्कुल साथ में है यहाँ का रॉयल पैलेस ऑफ पेरिस. दिस इज़ हाउ इट लुक्स. ये टॉप 10 स्पॉट्स में से है जहाँ आप बेस्ट फोटोज ले सकते हो पेरिस में. और एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है बिल्कुल पैलेस के सामने. ओके, बट इफ यू वांट टू सी द गार्डन यू हैव टू watch my vlog, because I will not let you show it in your vlog. Okay, it's, it's too beautiful. So if you want to see the beautiful Royal Garden of Paris, you have to go to Veronica's channel. Ye Royal Palace of Paris bahut hi ek achhi jagah hai photo lene ke liye. Humne kafi sari achhi photos liye hain yahan par. And I don't know inka kya meaning hai, but it looks nice. Veronica, do you have any idea what is the meaning of these things? I know, I'm also wondering what is that. Maybe we should read on Google. What is it? इस वक्त भी काफ़ी टूरिस्ट हैं पेरिस में. इवन दो आप यूरोपियन यूनियन के बाहर से एंटर नहीं कर सकते फ्रांस. बहुत कम सिटीज़ हैं यूरोप में जो इतनी ब्यूटीफुल हैं. एंड पेरिस ऑब्वियसली किसी रीज़न की वजह से ही इतना फेमस है कि ये वर्ल्ड की सबसे विजिटेड सिटी है. अगर आपको नहीं पता तो पेरिस इज़ दी मोस्ट विजिटेड सिटी इन द वर्ल्ड. और मेरे बिल्कुल पीछे है होटल द लूव. ये सबसे एक्सपेंसिव होटल्स में से एक है पेरिस के. आई थिंक अराउंड 1,00,000 रुपये नाइट है इस होटल में रूम. सो इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे एट अ फैंसी प्लेस, दिस इज़ द वन. तो हमने डिसाइड किया है कि पहले एक बार शांज़ेलीज़े जाते हैं, जो मैंने आपको शॉपिंग स्ट्रीट दिखाई थी पहले वाले व्लॉग में, क्योंकि वेरोनिका को थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है. एंड उसके बाद जाएंगे हम इंडियन डिस्ट्रिक्ट. उसके लिए वी आर रेंटिंग दीज लाइम बाइसाइकल्स. मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, बहुत ही ईजी है इन्हें रेंट करना. आपको सिर्फ बार कोड स्कैन करना होता है. वेट, आई विल शो यू. तो अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो यू हैव टू पे 20 सेंट्स पर मिनट. तो 5 मिनट के 1 यूरो हो गए, 5 मिनट के 90 रुपये. और हमें 10 मिनट लगेंगे तो 200 रुपये पर पर्सन टू रेंट अ बाइसाइकिल फॉर 10 to 15 मिनट्स. इट्स एक्सपेंसिव बट इट्स कन्वीनियंट. इवन बाइसिकल की लेन भी यहाँ पर जो नॉर्मल गाड़ी की लेन होती है उतनी वाइड है. तो बहुत ही फन है यहाँ पर साइकिल. ओके, लेट्स गो. बहुत ही अच्छी इन्होंने साइकिल लेन बनाई हुई है. तो ये सबसे बेस्ट वे है पेरिस एक्सप्लोर करने के लिए, या तो बाय फुट या फिर बाइसिकल पे. एंड हमारे बिल्कुल सामने है आर्क दे ट्रायंफ, जो मैंने आपको पहले के ब्लॉग में दिखाई थी. एंड उसी के साथ में है शांज़ेलीज़े, वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ. Got the macarons? Yeah. Okay. Show me what you got. There, look. Okay, so this is probably the most pretty, fancy, and expensive dessert. We paid 12 euros for 5 macarons. Yeah. One of these, this is 2.1 euro? Yeah. No, 2.2 euro. 2.2 euros. Taste test, the most important part. This is... this is something with lychee. Lychee, yeah. And something else, but it's so good. You know why is it so expensive? Why? Because it's made with almond flour. Oh.
इट्स सीरियसली वर्थ द 12 यूरोस. तो अगर आप पेरिस आओ तो मैं करूँ जरूर ट्राई करना. ओके, दिस वनीला फ्लेवर इज दिस वनीला या मेडागास्कर वनीला. इट्स मोर स्वीट एंड दिस इज मोर बटरी. Yeah, and you know, maybe this is not everyday treat, but if you are coming to Paris, you got to try. You have to. Okay. Let's go. Let me try more. You're gonna finish all of these? They look so pretty, I don't want to eat them. But they are so delicious. Veronica is so busy enjoying the macaroon. तो हम शॉन्स-एलिज़े से थोड़ा आगे वॉक करके यहाँ पर आए हैं. यहाँ पर ये फ्ली मार्केट टाइप लगी हुई है जिसे हम बाज़ार बोलते हैं इंडिया में, जहाँ आपको सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं. ये वाला एरिया भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है. यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ. ये वाली मार्केट मैंने खुद पहली बार देखी है यहाँ पेरिस में. आई डोंट नो कि हमेशा होती है या फिर सिर्फ इस वक्त लगी हुई है. तो अगर आपको एंटीक एंड विंटेज चीज़ों का शौक है तो आप यहाँ आके देख सकते हो. बहुत सारा एंटीक फर्नीचर, जस्ट लुक एट दिस, सारा पुराने स्टाइल का जो फ्रेंच फर्नीचर होता था. ये है पूरी इंडियन स्ट्रीट, इसका नाम है पैसेज ब्रारी. एज यू कैन सी ए टू जेड सारे इंडियन रेस्टोरेंट है. इस पूरी स्ट्रीट पे सिर्फ इंडियन रेस्टोरेंट्स एंड इंडियन शॉप्स ही हैं. तो अगर आपको बेस्ट इंडियन खाना खाना है पेरिस में, सो दिस इज द प्लेस. या लाइक एवरीथिंग इंडियन क्लोथ्स. ये भी पेरिस का ही पार्ट है. वहाँ पर है शालीमार रेस्टोरेंट. यू कैन यू नो लाइक सो प्राइस. या एज यू कैन सी पोले means chicken. सिर्फ यही एक स्ट्रीट नहीं है, आगे जाके और दिखाता हूँ मैं आपको. बहुत बड़ा इंडियन एरिया है ये पूरा. एंड दिस इज ऑल्सो दी अफोर्डेबल साइड ऑफ पेरिस. यहाँ पे रेस्टोरेंट के प्राइसेस वगैरह काफ़ी अफोर्डेबल है. और मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पर इंडिया के साथ साथ और भी बहुत डिफरेंट क्विजींस के रेस्टोरेंट हैं, मोस्टली टर्किश, अरेबिक, मिडिल ईस्टर्न. इवन इस डिस्ट्रिक्ट में आपको पान भी मिल जाएगा. Let's go. ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ हम आए हैं, बॉम्बे पैलेस. यहाँ 5 यूरो की थाली मिलती है. मैं आपको दिखाता हूँ, इससे सस्ता खाना आपको पूरे पेरिस में कहीं नहीं मिलेगा. 5 यूरोस इज़ लिटरली नथिंग फॉर पेरिस. अभी मैं थाली लेके आता हूँ और आपको पूरी थाली दिखाता हूँ. तो मैं आपको दिखाता हूँ कि 5 यूरो की थाली में क्या क्या मिलता है. तो आप चूज़ कर सकते हो. एक सब्जी, बहुत सारे ऑप्शन थे. मैंने चूज़ करी है चिकन, बट वेज सब्जियाँ भी थी और नॉन वेज में भी और काफ़ी सारी थी. और साथ में 3 तंदूरी रोटी, सैलड एंड कोक, ये सब कुछ 5 यूरो में. और सुबह सुबह हमने एक कॉफ़ी पी थी 5 यूरो की. तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कंट्रास्ट है प्राइसेस में. तो अगर आपको चीप खाना खाना है तो ये सबसे बेस्ट जगह है. एंड मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि टेस्ट कैसा है. इट्स एक्चुअली वेरी गुड. और टेस्ट बिल्कुल आपको ऑथेंटिक इंडिया जैसा मिलेगा, क्योंकि शेफ सारे अंदर इंडियन है. सो गाइज, ये था इंडियन डिस्ट्रिक्ट पेरिस का. एंड आज की वीडियो में यही खत्म करता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई रियली रियली होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.